अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टेपेटम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था टेपेटम के बारे में, ठीक है ना। तो हम लोग बोलते हैं क्या कोई टेपेटम का टाइप्स होता है, तो हम लोग बोलेंगे हाँ बिल्कुल होता है। तो कितना टाइप का टेपेटम होता है, तो हम लोग बोलेंगे दो टाइप का टेपेटम होता है। एक को हम लोग बोलते हैं एमीबॉइड या पेरीप्लाज्मोडियल टेपेटम, दूसरा को हम लोग बोलते हैं सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर टेपेटम, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं एमीबॉइड या पेरीप्लाज्मोडियल टेपेटम के बारे में, बाद में देखेंगे हम लोग सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर टेपेटम को, ठीक है। देखो एक चीज़ हमेशा रखना याद, ये जो भी टेपेटम रहेगा उस टेपेटम का काम क्या हम लोग बोलेंगे, स्पोरोजीनस जो सेल्स है ना, ठीक है, ये स्पोरोजीनस सेल्स को क्या प्रोवाइड करना, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, ताकि ये स्पोरोजीनस सेल्स किस में चेंज हो सके, हम लोग बोलेंगे किस में चेंज हो सके, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में क्या हो सके, चेंज हो सके। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स फिर क्या कर सके, मियोसिस वन कर सके, फिर हम लोग बोलेंगे मियोसिस टू कर सके, और क्या बना सके, हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोर बना सके, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन कर सके, या फिर हम लोग बोलेंगे पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कर सके। अब ये पोलन ग्रेन आगे चल के क्या बन सके, मेल गैमेट बन सके, ठीक है। और ये कंप्लीट, ये जो मतलब स्टेज है या फिर ये जो प्रोसेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये जो फेज है ना, ये स्पोरोजीनस सेल्स किस में चेंज हो रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में, ठीक है। ये वाला फेज को हम लोग बोलेंगे अर्ली फेज या अर्ली स्टेज ऑफ क्या चीज, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और ये जो माइक्रोस्पोर्स बन रहा है ना, इसको हम लोग बोलेंगे लेटर फेज ऑफ क्या चीज, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो एक दिमाग में ये चीज रखना है कि जो भी अमीबॉइड या पेरीप्लाज्मोडियल टेपेटम है वो कब काम करेगा, हम लोग बोलेंगे अर्ली स्टेज ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में काम करेगा, ठीक है, ठीक है। ताकि क्या बन सके, हम लोग बोलेंगे पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो सके, ठीक है ना। तो अब देखो ये होता क्या है, अमीबॉइड या पेरीप्लाज्मोडियल टेपेटम। देखो एक चीज याद रखना कि जो भी अमीबॉइड या पेरीप्लाज्मोडियल टेपेटम है ना, उसका पोजीशन ना कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है ये यहाँ पर रहे, हो सकता है ये यहाँ पर रहे, हो सकता है ये यहाँ पर रहे, कहीं पर भी हो सकता है। इसलिए इसका पोजीशन हम लोग बोलते हैं कि कॉन्स्टेंटली क्या करते रहता है, चेंज करते रहता है, और ये शॉर्ट लिव होता है, क्योंकि ये बस ये काम को कराता है अर्ली फेज ऑफ क्या चीज, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को। और ये जनरली फाउंड किस में मिलता है, हम लोग बोलेंगे किस में मिलता है, वैसे प्लांट्स में जो कैसा है, मोनोकोटिलेडन है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं लिली का प्लांट हो गया, टाइफा हो गया, एलिज्मा हो गया, ये सब कैसा प्लांट्स है, मोनोकोटिलेडन प्लांट्स है। इसमें क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे अमीबॉइड या पेरीप्लाज्मोडियल टेपेटम मिलेगा, ठीक है। तो इसका टेपेटम का काम ही क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है ना। तो देखो ये होता क्या है, देखो अर्ली स्टेज में हम लोग बोलते हैं कि अर्ली स्टेज मतलब कब, स्पोरोजीनस सेल्स से हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जब बन रहा होता है, और वो क्या कर रहा होता है, मियोसिस वन मियोसिस टू कर रहा होता है, उस टाइम का पार्ट है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, ये वाला डायग्राम को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है ना, इनलार्ज करके देखो, ये क्या चीज़ है, ये वाला क्या चीज़ है स्पोरोजीनस सेल्स है ये वाला, ठीक है। ये क्या है, स्पोरोजिनस सेल, ये वाला पोर्शन को बनाया हूँ। तो ये जब स्पोरोजिनस सेल्स है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे सॉरी, ये वाला सेल्स क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे टेपेटम है, टेपेटल सेल्स, ये सब क्या है, टेपेटल सेल्स है, ठीक है ना। और ये जो सेल्स है, ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, क्या था सेल्स, ये सब सेल्स है स्पोरोजिनस सेल्स, ये वाला सेल्स है, ठीक है, स्पोरोजिनस सेल्स यही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चूंकि टेपेटल सेल्स है, ठीक है ना, तो ये सब टेपेटल सेल्स कैसा होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। तो देखो होता क्या है ना, इनिशियली क्या होगा, ये जो भी टेपेटल सेल्स है ना, वो टेपेटल सेल्स का जो सेल वॉल होगा ना, वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डिजॉल्व करेगा, फ्यूज करेगा, ठीक है, एक दूसरे से फ्यूज करेगा, ठीक है ना। तब जाके क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे ये किस कंडीशन में आ जाएगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला पोर्शन को मैं बनाया, ये क्या चीज़ है, स्पोरोजिनस सेल्स है। तो अब देखो अब क्या होगा, जब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है, और इसका जो प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट है, जब फ्यूज कर जाएगा, तब देखो क्या होगा, इसके बाद हम लोग बोलेंगे ये क्या होगा, रप्चर होगा, इसका क्या होगा, ये जो सेल वॉल है इसका क्या होगा, रप्चर होगा, देखो ऐसे करके, ठीक है। जैसे हम लोग बोलेंगे रप्चर होगा, तो ये अंदर का जो प्रोटोप्लास्ट था या प्रोटोप्लाज्म था, वो प्रोटोप्लाज्म किस तरफ सिक्रीट होने लगेगा, हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स किस तरफ, यहाँ पर मतलब किस तरफ, स्पोरोजीनस ये जो सेल्स है उस तरफ सिक्रीट होने लगेगा, ठीक है। तो ये वाला को मैं लिख रहा हूँ स्पोरोजीनस सेल्स या स्पोरोजीनस टिश्यू, और ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे
टेपेटम, कैसा टेपेटम, अमीबॉइड टेपेटम, ठीक है। ये क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे इसका जो भी मतलब ये जो है सेल वॉल फ्यूज कर गया, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ गया, उसके बाद हम लोग बोलेंगे रप्चर ऑफ सेल वॉल हुआ, जिसके कारण क्या चीज़ बाहर निकल रहा है, ये जो प्रोटोप्लाज्म है वो कहाँ निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है इन द सेंस कहाँ आ रहा है, हम लोग बोलेंगे ये जो स्पोरोजिनस सेल्स के बीच में देखो जो स्पेस है ना, ये सब जो स्पेस है ना वहाँ पर क्या आ जा रहा है, हम लोग बोलेंगे ये जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या हो जा रहा है, एक्यूमुलेट कर जा रहा है, देखो ऐसे करके, ठीक है ना। जितना भी स्पोरोजिनस सेल्स है सब स्पोरोजिनस सेल्स के चारों तरफ क्या हो जा रही है, प्रोटोप्लाज्म एक्यूमुलेट कर जा रहा है। तो जब ये प्रोटोप्लाज्म स्पोरोजिनस सेल्स के चारों तरफ हम लोग बोलेंगे एक्यूमुलेट कर जाएगा, तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, पेरी प्लाज्मोडियल, या फिर हम लोग बोलेंगे पेरी प्लाज्मोडियल स्टेट या पेरी प्लाज्मोडियल कंडीशन, ठीक है। तो ये जो भी पेरी प्लाज्मोडियल स्टेट है ये इसीलिए ऐसा हो रहा है ताकि हम लोग बोलेंगे इससे क्या हो सके, ये जो स्पोरोजिनस सेल्स है ना वो क्या चीज ले सके, नरिशमेंट ले सके ये स्पोरोजिनस सेल्स, ठीक है, नरिशमेंट ले सके। और ये स्पोरोजिनस सेल्स किस में चेंज हो सके, हम लोग बोलेंगे किस में चेंज हो सके, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में क्या हो सके, चेंज हो सके। और वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स फिर क्या कर सके, मियोसिस वन कर सके, मियोसिस टू कर सके, और क्या बना सके, हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोर्स बना सके या पोलन ग्रेन बना सके, जो कि आगे जाके क्या बनेगा, मेल गैमेट बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा, जो प्लाज्मोडियल स्टेट में जब आ जाता है तो वो क्या चीज़ प्रोवाइड करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा किसको, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को। एक्चुअल में ये करता क्या है, स्पोरोजिनस सेल्स में क्या लाता है, हम लोग बोलेंगे चेंजेस लाता है, जिसके कारण हम लोग बोलेंगे स्पोरोजिनस सेल्स किस में चेंज हो जाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में। और फिर ये क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा अर्ली स्टेज में, ये सब क्या अर्ली स्टेज है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ताकि हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ का फॉर्मेशन हो सके, माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो सके, या फिर हम लोग बोलेंगे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। तो इस टाइप का जो टेपेटम होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमीबॉइड या पेरी प्लाज्मोडियल टेपेटम, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप जिसको हम लोग बोलेंगे अमीबॉइड टेपेटम। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो सेक्रेटरी या ग्लैंडुलर जो टेपेटम होता है ना वो क्या होता है, ठीक है, वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है।